नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोविड 19 से कैसे फाइट करनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारी विल पावर, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है हमारा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकली हाउ वी शुड फाइट विद कोविड 19। कोविड 19 के लिए एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, everyone is giving so many instructions, doctors. आप फॉलो करिए, डेफिनेटली दैट्स ऑल द फिजिकल इंस्ट्रक्शंस, लाइक हाथ धोना है, चेहरे को ढकना है। लेकिन कभी कभी हम बड़ी फील्ड में चले जाते हैं, हमारी जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी विल पावर नीचे आ जाती है, विल पावर गिर जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहा हूँ एक फर्म को, वो हमारे अच्छे मित्र भी हो गए हैं अभी। तो उनसे जब मैं बात करता हूं अभी, तो उनसे जब मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है, तो उनका ठीक है, अब आप जल्दी से, बहुत ही अग्रेसिव लग रहे थे, जल्दी से आइए और पूरा सिस्टम बना दीजिए मेरे बिजनेस का, सो दैट मैं कोविड के बाद जो भी इम्पैक्ट है उसके बाद मैं ग्रो कर जाऊँ बिजनेस। बट सडनली अभी परसों बहुत डाउन लगे, उन्होंने लगा मेरा एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ गया। क्या हुआ? मैं जिसकी हेल्प कर रहा था, किसी क्लाइंट की, वो काम कर रहे थे, उनका क्लाइंट पॉजिटिव निकला है। अब उसके सिर्फ पॉजिटिव निकल आने से वो प्रेशर में है, क्योंकि वो वहां जाते थे, साइट पे मिलते थे उनसे। आप फंसते हैं, आप लोग फील करते होंगे, आज मैं बता देता हूँ। ये हार्ट है आपका, इस हार्ट के ये जो ऊपर का एरिया है, ये चेस्ट, यहाँ गर्दन से नीचे, ये एरिया में एंग्जाइटी, आपको हैवीपन फील होगा। अगर आपको फील हो रहा है, इमीजिएटली आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है, किसी ना किसी वेलनेस कोच से मिलने की जरूरत है, वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे काफी हैवीपन, काफी पेन फील होता है, कभी इसमें ऐसा भी फील होता है कि जैसे अंदर लड्डू से, लड्डू तो नहीं कह सकते, अंदर एक धक धक फील होती है, यहाँ पे अजीब सी फीलिंग आती है यहाँ गले के, यहाँ दिस इज द एरिया, शायद आप देख पा रहे हो कैमरे पे, तो ये एरिया में होता है। और इसके क्या ड्रॉबैक है? सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड तक होता है, पूरी बॉडी पेन करती है। ये सारी डिटेल आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, जो ट्रोजनी अरोमा सेंटिटी साइंस पे बना हुआ है। वो प्लांट्स हैं जिनकी स्मेल से, जैसे सूंघने से कोरोना फैल जाता है, वैसे ही वो स्मेल है जिनकी वजह से ये पेन चला जाता है। आपको सिर्फ उनको स्मेल करना, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो कोई मेडिसिन नहीं। आप वीडियो देख सकते हैं, वो अवेलेबल है, वो यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और इसी नॉलेजेबल टॉक करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, मजा आएगा। शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। तो हम आगे चलते हैं, आज हम अपने इस वीडियो पे, साइकोलॉजिकली ये एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और गो अप टू द हार्ट अटैक। This is the scenario of that. तो हमें ये बढ़ने नहीं देना है, और आप इसे रोक सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, महाभारत की। अभी आप लोगों ने शायद टीवी पे देखा भी होगा, महाभारत की एक कहानी बड़ी फेमस है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपको हथियार मैं उठवा दूंगा। दैट इज द विल पावर। तो इंसान अगर विल पावर और बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर ले, दो ही चीजें हैं, बिलीव सिस्टम, विल पावर, विल पावर, बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो यू कैन फाइट विद एनी डिजीज, एनी डिजीज। मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत जरूरी है इसके लिए, राइट? अब हम आते हैं कि क्या हमें फियर नहीं होना चाहिए? फियर होना चाहिए, फोबिया नहीं होना चाहिए। इन दोनों को हम अलग करते हैं। फियर कंट्रोल्ड, फियर मीन्स कंट्रोल्ड फियर होता है, कंट्रोल डर होता है, आप कंट्रोल कर सकते हो उसे। जैसे नॉर्मली हमें जंगल में जाने से डर लगता है, बिकॉज वहाँ जंगली जानवर होंगे, तो हम प्रोटेक्शन लेकर अगर जाते हैं तो वी फील वेरी कंफर्टेबल। लेकिन कुछ लोगों को फ्लाइट में डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, सोचने से ही कि मेरे को फ्लाइट में जाना है वो डरने लग जाते हैं, हाइट से डरने लगता है, फोबियाज हो जाते हैं। ऐसे ही कोरोना का फोबिया नहीं होता, प्लीज ये मेक श्योर करना है आपने, ये कोरोना का फोबिया आपने नहीं होना। और इसके लिए विल पावर चाहिए आपको, और दूसरा क्या चाहिए आपको? बिलीव सिस्टम। विल पावर और बिलीव सिस्टम, दो ही चीजों पे ये टिकी हुई है, और इसको हम अभी समझेंगे कैसे बिलीव सिस्टम बनेगा, कैसे विल पावर बनेगी,
और कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें एक साइकोलॉजिकल, जो आप कहते हैं, जो मैं कह रहा था कि एंजाइटी बढ़ जाती है, उसका भी एक टेस्ट हुआ था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपसे। ये यूएस में हुआ था, 2% ऐसे थे जिनको डेथ वारंट जिनका इश्यू हो गया था, जिनको मौत की सजा हो गई, तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया गया कि हमें ये दो आदमी दीजिए, हम एक साइकोलॉजिकल एनालिस्ट करना चाह रहे हैं इसका। ठीक है, करिए, वेरी गुड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन दोनों को बिठाया और एक साइनाइड करके पॉइजन, वो पॉइजन उन्होंने उनको वीडियो दिखाई कि कितना खतरनाक पॉइजन है, कैसे ये परेशान करता है, कैसे एकदम डेथ हो जाती है। उन्होंने वो वीडियो देखी क्योंकि उनका तो डेथ वारंट कटा हुआ था। उन्होंने कहा ये हम आपको अब ये ऑल पिन आपको पिन करेंगे आपकी बॉडी में, ये साइनाइड लगा हुआ है इसमें। उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन वगैरह दिखाया, अपना वीडियो क्रिएट किया और देन दे पुट द पिन इनसाइड द बॉडी, और जैसे ही वो पिन उन्होंने बॉडी में डाला, वो दोनों लोग मर गए। और यू विल सरप्राइज, उसमें साइनाइड था ही नहीं, वो नॉर्मल पिन थी, ऑल पिन, जो 10 बार हमारे हाथ में लग जाती है। और तो दिस इज द पावर ऑफ विलनेस एंड बिलीव। ठीक है, विल और बिलीव, ये पावर है। अगर हमने ये कहीं कमजोर कर दी तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको हमने कमजोर नहीं करने देना। तो अब हम आगे चलते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी ये विल पावर और बिलीव सिस्टम कमजोर ना हो। तो सबसे पहला जो है, हमें इसको फियर तक कंट्रोल करना है, क्योंकि फियर इसलिए चाहिए हमें कि हम उसके बिना लापरवाह हो जाएंगे, हम बिना मास्क के बाहर जाने लगेंगे, बिना हाथ धोए खाना खाने लगेंगे, विच इज रियली ए डेंजरस साइन। ठीक है, एमसीआई के रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फैलेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि फियर तक कंट्रोल है, नहीं मैं सारी चीजें फॉलो करूंगा जो मेडिकल की गाइडलाइन डॉक्टर्स ने दी है। तो सबसे पहला क्या है, पहला क्या है कंट्रोल फियर के लिए, कि आपको ये न्यूज चैनल पे उतनी ही खबर ढूंढिए जितने से आपको इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाए। प्लीज उसके अंदर कहीं डीप में मत जाइए। कई बार हम ऐसे स्क्रॉल करते हुए 2-2 घंटे देखते रहते हैं, उनको वो आपको डॉक्टर बना देंगे बिना डिग्री का। ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री, वो इतना आपको पजल कर देंगे, जैसे गूगल से हम बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, हमें उनमें से क्या लेनी है नहीं लेनी है, दैट इज ऑन डिपेंड ऑन अस रादर देन द गूगल। ठीक है, तो वो हमें इतना डिप्रेस कर देंगे कि हमें विल पावर डाउन। तो हमें वैसा करने नहीं देना। आज से आप नियम बनाइए, आपको सिर्फ वही न्यूज देखनी है जो इन्फॉर्मेटिव, छोड़ दीजिए और कुछ देखिए टीवी पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गलती से कोई इंप्रेशन आ जाए तो डीप ब्रेथ लीजिए, और मैंने एक मेडिटेशन करने का उपाय बताया हुआ है, प्लीज वो मेडिटेशन करने का उपाय जरूर फॉलो कीजिए, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने आपको दिया है। तो ये आपका पहला नियम हो गया जो आपको अपनी पावर और बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर इससे भी आपको रिजल्ट ना आए तो सेकंड पॉइंट पे जाइए। सेकंड पॉइंट है फेथ, जो आपके बिलीव सिस्टम में और विलनेस में, विल पावर में बढ़ा देगा। कैसे, एक आदमी था, एक स्टोरी सुनाता हूं मैं, और स्टोरी को रिमेंबर रखिए और दिन में हर बार स्टोरी को याद करिए, आपकी विल पावर अपने आप बढ़ जाएगी, गारंटी। एक आदमी था, वो बहुत परेशान था, वो कहीं बाहर गया हुआ था, सडनली उसके मकान खाली पड़ा था, वो उस मकान में वापस आ गया रहने। उसने साफ सफाई किया और रहना शुरू कर दिया। अब वो 2-3 दिन बड़े आराम से रहा। 3 दिन के बाद एक दिन वो रात को सो रहा था, और सोते हुए उसने क्या किया कि सडनली एक आदमी आया और उसे उठा दिया। भाई तू खड़ा है यहाँ से, घर तो मेरा है। तो भाई आप कौन? उसने कहा मैं घोस्ट हूँ, भूत। अरे बाप, तो आप समझिए घोस्ट मीन्स कोरोना है। आप अपने घर में बैठे थे, कोरोना साहब पहुंच गए कि भाई घर खाली करो, मेरा कब्जा होगा इस पर। स्टोरी को ऐसे समझने की कोशिश करिए। आदमी ने कहा भाई ठीक है, बट रात को कहाँ जाऊँ, थोड़ा समझने की कोशिश कर, मुझे मालूम है तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ हूँ, मैं तो भूत हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं,
सुबह तक का टाइम दे, मैं सुबह चला जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। तो आपस में निगोशिएशन होके एग्रीमेंट हो गया, दोनों बैठ गए। अब आप इमेजिन करिए कि भूत बैठा हो तो आप सो सकते हैं? नहीं सो पाएंगे। तो आप इमेजिन करिए वो वॉरियर्स जो सड़क पे खड़े हैं, पुलिस वाले, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, कितना स्ट्रगल में होंगे। प्लीज गिव देम रिगार्ड्स, ठीक है? उनको जितना रिगार्ड दे सकते हैं उतना दीजिए, उतना ही कम है बेसिकली। तो आप घर में हैं, वो घोष साहब बैठे हैं एज ए कोरोना और जम के बैठे हैं। आपने सोचा यार रात काटनी मुश्किल है, तो इससे हम निगोशिएट करते हैं या प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। शायद इसका थोड़ा दिल पसीज जाए, मेरा ही घर है और ये कब्जा कर रहा है। उसने कहा भाई बात बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अभी आया था, मैं बाहर गया हुआ था और अभी वापस आया हूँ, क्या करूँ? मेरी लाइफ में ऐसा ही है क्या? प्रॉब्लम्स ही हैं क्या? क्या कोई इंजॉयबिलिटी नहीं है? क्या मैं खुश नहीं रह सकता? मेरा राइट नहीं है? उसने कहा देख भाई मुझे नहीं मालूम, और ये सवाल तुम मुझसे जो कर रहा है मैं इसका जवाब भी नहीं दे सकता। या भाई तू तो भूत है, और मैं तो तीन चार दिन से यहाँ रह रहा था, तू आज ही प्रकट हुआ है। उसने कहा नहीं नहीं मैं, आप यहाँ तीन चार दिन से रह रहे थे, मैं कई दिन से रह रहा था क्योंकि मकान तो खाली पड़ा था, मैं तो कई दिन से रह रहा था और आज आपने जो बताया कि तीन चार दिन पहले था, मैं बता देता हूं, मेरी एक अटेंडेंस होती है ऊपर वाले में जो सुप्रीम एनर्जी है, हफ्ते में एक बार मुझे वहां जाना पड़ता है, तो मैं वहां गया हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद मैं फ्रेंड के पास चला गया, वापिस यहां बैठे हुए हो, इसलिए तुम्हें मैं मिला नहीं। तो उसने कहा भाई फिर उनसे पता कर दे जो सुप्रीम एनर्जी है, उनको तो पता होगा। उसने कहा ठीक है, तब तक मैं यहां रह लेता हूं इसमें, क्योंकि मैं फिर तुझे दोबारा कहां ढूंढूंगा। ठीक है, जब तक तू रह ले। दिस इज कॉल्ड ए लॉकडाउन, कि आप अपनी जगह को घर में बैठ गया, उसी घर में जो उसका घर था, और वो ऊपर चला गया एक हफ्ते के बाद, और एक हफ्ते के बाद वो गया और पता करके वापस आया। भाई आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है, यू विल एंजॉय इन योर लाइफ, बहुत बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, वेरी गुड। लेकिन भाई जो मेरा इतना सब कुछ अच्छा है, तो मुझे डर लगता है मैं बाहर जाऊंगा कोई मार देगा, क्योंकि अभी तो मैं घर में बैठा हूं, तुम तो मुझे घर से निकाल रहे हो। उसने कहा हाँ भाई ये हो सकता है। तो उसने कहा भाई ये पता करके हो रहा हूं कि ऐसा तो नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है मैं एक काम और करता हूं, मैं अगले हफ्ते फिर जाता हूं और फिर पता करके आता हूं। तो ये 14 दिन का लॉकडाउन हो गया उसका बचाने का, 14 दिन उसने अपने घर में बैठा। फिर वो गया और फिर वापस आया। उसने कहा भाई जब तक आप सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि कर्म पॉलिसी है, वो कर्म के लिए आप दूसरा वीडियो मेरा देख सकते हैं, कि सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करोगे आपको कोई नहीं मार सकता। आपकी लाइफ बहुत लंबी है, कितनी है ये नहीं मालूम बट बहुत लंबी है। अच्छा, तो सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया, अगर कोई कोरोना के मरीज बैठे हैं, हम वहां चले गए उन्हीं का खाना खा रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, में हाथ डाल रहे हैं, मुंह में भी हाथ डाल रहे हैं, अपने नोज में भी हाथ डाल रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट वो नहीं करना है। ठीक है ये तो नहीं मैं करूंगा। अब फिर तो लाइफ बढ़िया है, एंजॉय कर, कल चला जा। भाई मेरा, मैं बीच में कहीं गया हुआ था, आपने आके इस पर कब्जा जमा लिया, ठीक है ना, प्लीज समझो मैं यहां से जाने वाला नहीं। तो आपकी ये आपका घर है, आपका परिवार है, बी कॉन्फिडेंट, मैं यहीं रहूंगा, बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग करिए, आपकी विल पावर को स्ट्रांग करिए, मैं नहीं जाऊंगा तो कोरोना को जाना पड़ेगा। इस स्टोरी को जब जब बिलीव सिस्टम कमजोर हो, विल पावर कमजोर, प्लीज इस स्टोरी को याद करिए। और अब ये दो जो मैंने आपको कहानियां बताई हैं, ये उन लेवल के दो पॉइंट्स हैं जो जिनको अभी हुआ नहीं है बट वो फियर में। तीसरा, अगर मान लो हो भी गया, ठीक है ना, मान लो हो भी गया, तो मैंने बताया ना आपको, घबराइए मत, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, इनकी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। प्लीज, कौन सा मच्छर स्वाइन फ्लू का है, कौन सा चिकनगुनिया का, हमें नहीं पता, बट फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया,
कोरोना की वजह से जो WBC है, वाइट सेल्स हैं, उनको मत तोड़िए अपने, क्योंकि आप जैसे एंग्जाइटी लेवल में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, तो वो कमजोर हो जाएंगे, वो कमजोर हो गए समझ लो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, तो उनकी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। अगर किसी को हो गया तो वो ये समझे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर हो भी गया है मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और याद करिए आप वो पानीपुरी, वो चाट जो आप खाते थे सड़क के किनारे, उसमें पानी कौन सा होता था किसी को नहीं पता, कौन सी चाट, कैसा मसाला, कौन से आलू, कौन सी टिक्की, कौन सा तेल, आप सबको मालूम है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत, फिर भी आप हजम कर जाते थे, कुछ नहीं होता था, नेक्स्ट डे आप ऑफिस जाते थे, तो यार ये भी चला जाएगा। बी कॉन्फिडेंट। जब जब ये तीन चीजें आप अपने माइंड को बार बार घुमाएंगे, जो मैंने स्टोरी बताई वो गोस्ट वाली, मेडिटेशन, और ये कि मैं तो ऐसे सब चीजें खाता था, तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन विनिंग पोजिशन, यू विल बी ऑन स्ट्रॉन्ग पोजिशन, और वैसे ही आपकी विल पावर बढ़ जाएगी और बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा। तो अगर नहीं हुआ तो होगा नहीं, और जिसको हो भी गया वो इमीडिएटली बाहर आ जाएगा। और वैसे भी आप देखिए इंडिया के अंदर रिकवरी रेशो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वर्ल्ड से। बी कॉन्फिडेंट, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई चीजों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।